इस जीवन में व्यक्ति को जो है सबसे अहम खुशी होता है उसका मन चाहा प्यार को पाना या फिर शादी को करना। और सबसे बड़ी बात होती है कि यह शादी उसके मन के अनुसार जैसा वह चाहता है उसी तरह से उसे मिल जाए तो यूँ समझे पूरा जीवन खुशमय हो जाता है। लेकिन एक चीज़ सबसे अहम होता है, हमारे मन हमारे विचारों से परे जो ब्रह्मांडी शक्ति है, जो मेन ऊर्जा है, उन्होंने डिसाइड किया है वह चीज़ें घटित होकर ही रहेगा और यह परम प्रमाणित है। तो आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आप वाकई में शादी आपका नहीं हो रहा है या फिर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने जो रियल है जिससे आपका होना ही है शादी उसे आप खींच सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप किसी और की अमानत को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी और की जो अमानत है अर्थात भगवान ने जिसके लिए निर्धारित करके रखा है उसे आप जबरदस्ती पाने की कोशिश करेंगे तो वह आपको दुख तकलीफ देगा ही देगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो कुछ ऐसे सीक्रेट उपाय हैं जिसे करने के बाद आपकी जो अमानत है या फिर आपका जो जीवन साथी है, आपका सच्चा सोलमेट आप कह सकते हैं, उसे आप बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। सबसे अहम चीज़ क्या होता है कि व्यक्ति का जो मन है वह तुरंत बदल जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन यह जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो विशाल एनर्जी है, जो अद्वितीय शक्ति, इसे हर एक चीज़ याद है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या दुख भोगे थे, आपने कैसे कैसे जीवन को जिया है, व्यक्ति को पाने के लिए क्या क्या कर्म किया है और कौन सी व्यक्ति आपके कर्म में भाग्य में लिखा गया है जिससे कि आपके शादी उसके साथ होगी। यह सब चीज़ एक एक घटना जो ब्रह्मांड में रहस्यमय तरीके से छुपा हुआ है और समय आने पर वह घटित भी हो जाता है। लेकिन हम क्या है, मन के हिसाब से चलते हैं। व्यक्ति जो है मन में सोचा, किसी को देखा, पसंद कर लिया, उसे पाने की इच्छा हुआ, थोड़ा देर अगर उसके साथ बिताए मन फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी और के पीछे भागना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से चलता नहीं है। चीज़ें जो है ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो ऑपरेट कर रही है जीवन को, हर एक छोटे छोटे चीज़ों को, रेशे को, कण कण को संभाल के रखी है, वह पूर्ण सटीक तरीके से चलाता है। क्योंकि आपने पूर्व में कर्म कर दिया लेकिन आप भूल गए, हो सकते हो उस व्यक्ति को पाने के लिए इतना ज़्यादा दुख तकलीफ समस्या झेले हों, उसे प्राप्त करने के लिए आपने कितने ज़्यादा तकलीफ भरे कर्म किए हों, लेकिन क्या है आपका जन्म खत्म, जीवन खत्म, तो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि आपकी स्मृति जो है मिट जाती है। तो नए जन्म में आप फिर मन के हिसाब से नई चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब कारणों से यह है कि आप उसके पीछे मत भागे जो आपका है ही नहीं। बस आपको करना क्या है मैं बता रहा, जिससे कि आपका जो है वो वाकई में आपको मिल जाएगा। अब वो चाहे किसी भी जरिए से हो, लव मैरिज के जरिए से हो या फिर आपके अरेंज मैरिज के जरिए से हो, किसी भी तरीके से योग जो है आपका बन जाएगा और ये ब्रह्मांड की अनंत शक्ति जो है आप दोनों को मिलाकर एक जगह मिला देगी। लेकिन बात यह है कि डिले क्यों हो रहा है। अगर इस स्थिति से आप निकलना चाहते हैं तो उसके लिए इस चीज़ को करना ही होगा, तभी इस बात से या इस प्रयोग से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको समय निकालना है अपने लिए और अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो वह समय है सबसे पहले सुबह शाम आपको अपने अंदर ध्यान करना है, कहीं और बाहर कुछ नहीं करना है। ध्यान करके ये सोचें कि आपकी शादी, जो आपका रियल सोल है या फिर जो रियल आपका साथी है, उस तक आपकी पहुंच कैसे बने, आप कैसे उस तक पहुंचेंगे और आपकी शादी कैसे हो। क्योंकि सुबह शाम जब ध्यान लगाएंगे तो आपके और उसके बीच की जो दूरी है वह जो है दूरी कम होते जाएगा और धीरे धीरे नज़दीकी जो है सबसे पहले ऊर्जा के रूप में नज़दीकी बढ़ेगी, मन की नज़दीकी बढ़ेगी, फिर शारीरिक रूप से वह व्यक्ति प्रकट हो जाएगा। किसी भी बहाने से, कोई भी जरिया से, किसी भी तरीके से आपको मिल जाएगा, फिर आपकी शादी का जो योग है वह पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो इस तरह से होता है शादी का पूरा प्रोसेस या फिर व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति के पाने का या फिर अपने लव को पाने का, शादी को पाने का, एक मैरिज करने का पूरा प्रोसेस जो होता है ऐसे ही होता है और इसे आपको फॉलो करना है।